गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी फाइन एंड योर स्टडीज मस्ट बी गोइंग ऑन स्विफ्टली आट्स वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर द सीएस स्टूडेंट्स देखिए हमारी जो बुक है टैक्स लॉस की ये टैक्स लॉस की बुक वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड जिसके अंदर दिस इज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी और इसके अंदर राउंड अबाउट आपके थ्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है समरी है आपकी पूरी समरी है इसके अंदर और 3047 जीरो फोर सेवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर देयर इन दिस पर्टिकुलर बुक जिसमें नाइन नाइन्टी वन एम सी क्यूज जी एस टी और कस्टम्स से रिलेटेड है और बाकी जो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्या है इनकम टैक्स से रिलेटेड है तो दिस बुक हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च और जो समरी है सारी हर चैप्टर वाइज समरी इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है तो ये तो फिजिकल फॉर्म के अंदर हो गई बात अब जो बच्चों को डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए उन लोगों के लिए हमने ये डिटेल्ड सोल्यूशन दे रखे हैं आपने मोबाइल ऐप के अंदर दीस 2600 सिक्स हंड्रेड एम सी क्यूज़ आर देर छब्बीस सौ एम सी क्यू हैं तेरह सौ एम सी क्यू राउंड अबाउट इनकम टैक्स के हैं और तेरह सौ एम सी क्यू क्या है आपके जीएसटी एंड कस्टम्स पोर्शन से रिलेटेड है ठीक है ये आपके मोबाइल हमारा जो मोबाइल ऐप है बांगड़ ईडी उस पर अवेलेबल है अब यहां जो सोल्यूशन हैं ये जो सोल्यूशन है ये वो नहीं पुरानी लॉ के हिसाब से किए हुए हैं दीज है उसके हिसाब से ये सारे सोल्यूशन इसके अंदर किए गए हैं और जो नए क्वेश्चन भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं बेसिस ऑफ फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वन इसके अलावा देखिए एक अलग से पैकेज बनाया गया है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का जून 2019 से लेके दिसंबर 2019 ट्वेंटीबर दिसंबर 21 एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आए हैं पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनके भी डिटेल्ड सोल्यूशन दिए गए हैं सिर्फ एबीसीडी नहीं लिखा है कि ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी हो जाएगा डी हो जाएगा ऐसा नहीं है ये अराइव कैसे हुआ ये कैसे अराइव हुआ ये दिया गया है उसके अलावा ये भी सोलूशन जो है ये अपडेटेड है बद फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वन फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वन जो कि आपके एप्लीकेबल है जून एग्जाम के अंदर उसके अलावा जो डिसम्बर एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल है उन सभी लोगों के लिए क्या है ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल फंडामेंटली हमको करना कैसे है देखिए जब आप पूरा एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका जो रिविजन होएगा वो आप इजिली रिवाइज कर सकते हैं अगर ईच एंड एवरी एम आप ये करते हैं तो ये बेसिकली अपने मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है अब जैसे ये अपना हमारा मोबाइल ऐप का ये अपना ये लैपटॉप प्रीफेस खुल गया लैपटॉप इंटरफेस बेसिकली खुल गया है आप इसको जो मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप क्या है ये क्वेश्चंस जो हैं ये लैपटॉप पे भी क्या है खोल के चला के अटैम्प्ट कर सकते हैं अब स्टोर सेक्शन में जब आप जाते हैं तो जैसे ही हमारा इंटरफेस खुल रहा है इसमें एम सी क्यूज है ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सी ए वाले बच्चों के लिए भी है सी एम ए वाले बच्चों के लिए भी है और सी एस वाले बच्चों के लिए भी है प्रोफेशनल कोर्सेज में तो अब यहाँ पे जैसे अपन देखते हैं जैसे ये आपका टैक्स लॉस का आ गया टैक्स लॉस का हमने एम सी क्यू स्टोर सेक्शन में गए एक्सटोर सेक्शन के फर्दर बाइफर्गेशन दे रखे हैं और वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है बुक्स भी अवेलेबल है और ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर ऑल्सो देयर केस सीनैरियो बेस्ड एम सी क्यूज आर देयर तो अब जैसे अपन ने ये टैक्स लॉस का खोला अब इसके अंदर ये आपको ओवरव्यू मिल गया एक तो और एक कंटेंट्स इस तरह से जैसे अब आप देखना चाहें तो बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशन का आ जाएगा रेट्स ऑफ इनकम टैक्स से रिलेटेड एक टेस्ट बन गया रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड जिसके अंदर क्या है क्वेश्चंस अपने दे रखे हैं फिर रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन सेवन से नाइन इस तरह से अब जैसे इसमें यहाँ पे एक टेस्ट क्या है आपको फ्री भी दे रखा है यू कैन इससे यूज़र इंटरफेस मतलब आप अवेयर हो जाए कि इस तरह से अपने को क्या है ये टेस्ट चलेगा तो यहाँ पे आप चाहें तो फ्री टेस्ट क्या है ईजिली क्या है अटैम्प्ट कर सकते हैं अब जैसे इसमें पूरा आ जाएगा ये थर्टी फोर का एक टेस्ट है सैलरीज जो बेसिक सैलरी है अलाउंसेस से रिलेटेड रेंट फ्री अकोमोडेशन से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं 50 मिनट्स का टाइम इसमें आपको अलॉट किया है तो इससे ये भी रहता है कि अपना कंट्रोल रहता है कि भाई अपने को कितने मतलब क्वेश्चंस करने हैं तो ऐसे नहीं कि भाई धीरे 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 कर रहे हैं वहाँ एग्जाम के हिसाब से अपन ने यहाँ क्या टाइम एलोकेशन किया हुआ है तो इस तरह से आपको ये अब जैसे अब अपन ने इंस्ट्रक्शन रीड कर लिए अपन कर रहे हैं टेस्ट तो फिर जैसे अब ये क्वेश्चन आया नंबर वन कि अ टीचर रिसीव्स रेम्युड्रेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन वॉट इज द चार्जेबिलिटी पोजिशन ऑफ दिस रेम्योडरेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो अब ये पूछ रहा है कि भाई अगर किसी टीचर को रेम्यूनेशन मिल रहा है तो फंडामेंटली जो रेम्यूडेशन एक टीचर को मिलता है फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन वो क्या है वो आपके चार्जेबल टू टैक्स होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब तक कि वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो तो जैसे अपन ने मार्क कर दिया ये आपका यहाँ मार्क हो गया ग्रीन मीन्स आंसर्ड ठीक है मार्क फॉर रिव्यू बिल्कुल वही सिस्टम पे चल रहा है पैक जैसे अपने एग्जाम के अंदर भी अगर एम अगर आपके ऑनलाइन चलते हैं तो वैसे ही चलता है फिर अपन ने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ए ने जॉब ज्वाइन किया एक सात दो एक को मंथली सैलरी है पच्चीस हिज सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट या 22, 23 कितनी होगी तो अब देखिए अप्रैल मई और जून उसका तो पैसा मिलेगा नहीं तो उसको मिल गया नौ महीने का तो पच्चीस हजार मिल गया इंटू नौ ये हो गया दो लाख पच्चीस हजार और उसमें से अपन ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ का तो एक लाख पिचहत्तर हज़ार रुपये की या इसकी क्या हो जाएगी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी तो इस तरह से वो टैक्सेबल सैलरी आ गई ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया और एक पिचहत्तर आ गई अब इस तरह से हम करते रहेंगे तो जब ये अटैम्प्ट करेंगे और फाइनली जब हम सबमिट करेंगे टेस्ट तो आपको अपना क्या है आंसर मिल जाएगा आपको इस केस के अंदर अपना क्या है आंसर देख लेंगे आप डिटेल्ड सोल्यूशन कैसे आए ये तभी तो अपन ने जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं इसमें अपन ने ये सबमिट कर दिया आप चाहे तो इसको क्या है स्किप भी कर सकते हैं ठीक है और आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी जा सकते हैं देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए जॉइंस इन ग्रेट पे ऑफ दिस ये इसको इस एक साथ 2010 को इस ग्रेड पे में ज्वाइन किया हर साल का इसका इंक्रीमेंट मिलेगा पांच सौ जब तक ये 25000 तक नहीं पहुंच जाता फिर उसको हजार रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक ये 40000 तक नहीं पहुंच जाता तो लिटरली जब आप इसको करो इन क्वेश्चन को करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर थियोरिटिकल पार्ट तो आपको क्या है ये बहुत ही यूजफुल रहेगा पूरी की पूरी सब्जेक्ट आप उसमें ईजिली क्या कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं अगर ये इन टेस्ट को आप क्या है अटेम्प करते हैं तो अगर मैं जैसे यहाँ सबमिट कर देता हूँ टेस्ट तो ये अब मेरा टेस्ट सबमिट हो गया इन्होंने बोला कि आपके चौंतीस क्वेश्चन हैं दो आंसर किए हैं बाकी मार्क फॉर रिव्यू कुछ नहीं है इतना टाइम अभी आपका बचा हुआ है तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सबमिट कर दिया टेस्ट ठीक है तो ये मेरा टेस्ट क्या हो जाएगा सबमिट हो जाएगा और फिर मेरे पास सारा इवेल्यूएसन आ जाएगा कि भाई ये आपका इवेल्यूशन आ गया अब जैसे अब व्यू सोल्यूशनस है अब मैं आराम से इनके सोल्यूशन देख सकता हूँ पहला आ गया इसका सोल्यूशन यह रेम्यूशन रिसीव बाय टीचर विल बी चार्जेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट ये इसका डिटेल्ड सोल्यूशन आ गया फिर जैसे नेक्स्ट का देखा कि भाई ये कितनी इनकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स सैलरी हो गई एक लाख पिचहत्तर हज़ार हो गई ये डिटेल्ड सोल्यूशन इसका दिख रहा है फिर तीसरा क्वेश्चन जैसे मैंने छोड़ दिया था उसका भी ये ग्रॉस सैलरी आ गई उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया और ये इनकम अंडर दी हेड सैलरीज आ, आ गई तो आफ्टर यू सबमिट द पेपर आपको ये सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे और ये नहीं कि वन टाइम के लिए अवेलेबल है जब भी आप एग्जाम देना चाहें आप वापस से पेपर को मतलब देख खोल के आप ये सोल्यूशन पूरे देख सकते हैं तो फंडामेंटली ये टेस्ट पेपर तो अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं ये एम आप सही से कर लेते हैं ठीक है पहले अपने लेवल पे हो सकता है कुछ गलती हो तो अपने को ये रिव्यू के लिए अवेलेबल रहेगा तो पहले अपन ने क्या किया अपने पूरे चैप्टर्स देखे एक चैप्टर सैलरी का कंप्लीट किया तो सैलरी के टेस्ट कर लिए दूसरा चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी का किया, हाउस प्रॉपर्टी के टेस्ट कर लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का किया रेजिडेंशियल स्टेटस के कर लिए तो लाइकवाइज आप क्या है ये पूरा अच्छी से कर सकते हैं जैसे ये अपने इसका है ये ये यहाँ पे क्या है अपन ने जैसे टैक्स लॉस इनकम टैक्स के पोर्शन का है सिमिलरली जीएसटी के पोर्शन के भी क्या है क्वेश्चंस दे रखे ठीक है और उनको भी आप अटेम्प्ट करोगे तो बहुत इजीली बहुत ईजिली आई श्योर यू अगर आप ये सही से कर लेते हो यू कैन ईजिली स्कोर एग्जामेशन मार्क्स साथ साथ एडेड एडवांटेज ये है कि आप वो पांच जो पास एग्जाम पेपर्स हैं उनके भी वापस से आप चाहें तो रिट्राई कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे पास एग्जाम के ये ये क्वेश्चन अपने को करने हैं और उनके ये सोल्यूशन है तो इससे ये भी पता चल जाएगा एग्जाम का क्या है यहाँ के क्वेश्चन का भी आपको स्टेटस पता चल जाएगा अपनी बुक में है ही है तो जो एडिशनल क्वेश्चन यहां दिए गए हैं उनसे आपको और फर्दर एडवांटेज मिलेगी तो पेपर पहले आप पहले जो मेन है सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के पे चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए और साथ साथ उनके क्या एम सी यूज कीजिए और लास्ट मोमेंट पे उनको वापस से एक बार क्या रिवाइज कर लीजिए दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल ये क्या है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी तो फंडामेंटली हम एम सी जो हैं ये चाहे सी का स्टूडेंट हो चाहे वो सी के स्टूडेंट हो चाहे वो सी के स्टूडेंट हो सभी लोगों के लिए दीज एमसीक्यूज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल और सी के बच्चों के लिए अलग से केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज भी दे रखे और उनके वीडियो लेक्चर भी क्या है अवेलेबल है तो फंडामेंटली वी फील दैट आफ्टर से प्रैक्टिसिंग दीज एमसीक्यू दीज आर जस्ट फॉर योर यू नो सेल्फ असेसमेंट अगर आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो द टाइम ऑफ एग्जाम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यू विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स सो फंडामेंटली दिस इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप जो कि मोबाइल वर्जन में चल रहा है साथ साथ लैपटॉप वर्जन में जैसे भी मैंने खोला उसमें भी ये आराम से चल सकता है तो दैट इज वॉट द इंफॉर्मेशन दट इज सो इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट सो दैट डे केन स्कोर से गुड मार्क्स टेक्स लॉज सब्जेक्ट से बच्चों को डर लगता है और कई बुक पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि हमको सर डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए अब बुक में तो इतने सोल्यूशन छाप नहीं सकते बुक की साइज ही बहुत मोटी हो जाएगी इसलिए आपने क्या है ये ये प्लेटफॉर्म लिया है सो so दैट आपके लिए भी कॉस्टली अफेयर नहीं रहे और आप भी इजीली एक्सेस कर पाए ठीक है और अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप उसको आउटपुट लेके पी डी एफ आउटपुट ले सकते हैं सो दिस इज वॉट द इंफॉर्मेटिव वीडियो वी हैव प्रोवाइडेड टू यू रिलेटिंग टू द टैक्स लॉस ये सीएस एस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए जो जून एग्जाम में अपियर होंगे डिसंबर एग्जाम में अपियर होंगे फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वन से टोटल अपडेटेड एमसीक्यूज है जितना भी आपके कोर्स में है वो सारे एमसीक्यूज यहां पे क्या है कवर्ड है एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स And hope you will pass the exam with the flying colors. Thank you very much.